अजमसन इज एन एनी स्टेटमेंट डेट इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट हैविंग ऐसी स्टेटमेंट कोई ऐसी uh, मान्यता कोई ऐसी अवधारणा जिसे हम ये समझते हैं कि ये सत्य है बिना किसी प्रूफ के एक और मैं एग्जाम्पल ऐड कर दूँ कि सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती ये क्या है विच यू कंसिडर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड डिस्कसन सिंपली फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इट मे नॉट बी ट्रू हो सकता है सही लेकिन नहीं भी हो सकता है हम इसको क्या करते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं हैं जिसको हम हम सच मानते किस आधार पर और किया भी के लिए कि हम आपको प्राप्त करने के लिए एक आप देते हैं जिसको करने के बाद हाय एवरीवन कैसे आप लोग उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम टू दिस में हम डिस्कस करेंगे आपके एमएट के बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पे इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अजम्पन्स पोस्टुलेट्स और हाइपोथेसिस जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीज़ होते क्या अक्सर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होती है और बहुत से लोग इसे काफ़ी सिमिलर समझते हैं जनरली काफ़ी सिमिलर तो होता है लेकिन इसमें कुछ डिफ्रेंसेज है तो यही जानेंगे हम कि एजम्पन्स क्या होता है पॉस्टुलेट्स क्या, क्या होता है हाइपोथेसिस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यह रिसर्च इन एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एम किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको अक्सर इन तीनों से एक सवाल डेफिनेटली आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सो विदाउट बीपिंग अराउंड द बोस लेट गेट स्टार्ट द वीडियो और शुरू करते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले हम जानेंगे कि अजमशन क्या होता है एजम्पम्स किसे कहते हैं इसका मतलब क्या होता है और रिसर्च में इसका क्या रोल है तो लेस्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट अजम्पन्स क्या होता है इसकी मतलब क्या होती है लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू थैंक्स माय प्रोफेसर डॉक्टर चंचला पांडे मैम का जिनके लेक्चर के द्वारा और जिनके सजेशंस में ये बुक जो उनके द्वारा छापी गई है जिसपे इनका नाम भी लिखा है मैं इसकी इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊँ डॉक्टर चंचला पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर एम ए एम नेट और पी सो इनकी लेक्चर की वजह से ये पॉसिबल हो सका कि मैं इस टॉपिक को समझू और जो मुझे समझ में आया आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हर आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड वाट एग्जैक्टली ऑल दिस पॉइंट्स आर सो थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच ओके सो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि अजमशन क्या होता है देखिए एजम्पन्स की थीरी जानने से पहले हम क्यों ना कि बार एग्जाम्पल से समझ जाए कि एजम्पन्स क्या होता है देखो जनरली हम जो एज्यूम करते हैं जो एजम्पन्स एक कई कम्युनिटी के द्वारा या फिर एक रीजनल पब्लिक के द्वारा कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लिया था एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ जैसे एजम्पन्स है कि जो चीज़ें महंगी होंगी वो बेहतर हो सकती हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर दो डॉक्टर हैं एक की क्लिनिक में वो उसकी फीस दो सौ रुपये है उसी के बगल वाले की क्लिनिक के डॉक्टर की फीस आठ सौ एक हज़ार रुपये है तो एक एजमसन होता है कि यार यार ये तो दो सौ रुपये का डॉक्टर है वो एक हज़ार का डॉक्टर है तो वो बेहतर हो गया एजमशन्स होता है हम इसको मान लेते हैं या इसके अलावा भी हम और मान लेते हैं जैसे आ, कहा जाता है कि जो जो बच्चे चश्मा पढ़ते हैं ना चश्मा लगाते हैं वो पढ़ाकू बच्चे होते हैं इस तरीके के और भी एजम्स होते हैं कि जिस फल की दुकान पर या जिस सब्जी की दुकान पर ज़्यादा भीड़ होती है उसके पास बेहतर सब्जी होता है या बेहतर फल होता है या फिर हम ये मान लेते हैं कि जो ज़्यादा पॉपुलर हो फेमस हो वो बेहतर होता है राइट अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो आपको लगेगा यार इसका तो मैंने नाम ही नहीं सुना वहीं आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका नाम आपने एड में देखा हो या कहीं देखा तो आपको लगता है कि यार ये काफ़ी फेमस है और ये बेहतर होगा सो so, ये क्या है ये सारी चीज़ें एजम्सन होती है हम एज्यूम करके बैठते हैं द नंबर्स ऑफ पीपल एक कम्युनिटी के द्वारा एक सोसाइटी में हम इसे एज्यूम करके बैठते हैं हम इसको मान लेते हैं ठीक है तो इसी तरीके से एजम्पन एन अजम्पन इज़ एन एनी स्टेटमेंट दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट हैविंग एनी प्रूफ कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कोई ऐसी uh, मान्यता कोई ऐसी अवधारणा जिसे हम ये समझते हैं कि ये सत्य है बिना किसी प्रूफ के एक और मैं एग्जाम्पल ऐड कर दूँ कि सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती ये क्या एक एजम्सन है ठीक है हम इसको ऐसे सारे लोग मानते हैं सो इसे जनरली एन स्टेटमेंट दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू लोगों को द्वारा सही माना जाता है इसका कोई प्रूफ या कोई तथ्य नहीं एग्जाम्पल के तौर पर अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो लोग नीट या आईआईटी की तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेजेस क्यों में एडमिशन लेना चाहते हैं एम्स में आईआईटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं ठीक है तो ये माना जाता है कि अब इसी एज्शंस के आधार पे बच्चों को हालांकि पहले के टीचर कुछ और थे मगर तो आप जनरल देखेंगे कि आप खुद एक एम और बी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि टीचिंग जॉब पाने के लिए कितना मुश्किल है जो टॉप के बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही आजकल क्रैक कर पा रहे हैं तो अब की स्थिति कुछ और है मगर फिर भी हमारा एजेंप्शन वही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती या फिर हम ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल बेहतर पढ़ा सकते हैं तो इस तरीके के एजेंप्शन हैं ठीक उसी तरीके अगर आप इसको सेंटेंस में लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि जनरली एन इज एन एनी स्टेटमेंट दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ ओके समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब जिसको मतलब मान लिया गया हो जिसको या फिर माना जाता हो समथिंग दैट एक्सेप्ट एज अ ट्रू विदाउट क्वेश्चन और प्रूफ किसी चीज़ को हम ऐसे मान लेते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो डॉक्टर ज़्यादा फीस लेता है हम मान लेते हैं कि चलो यार ये तो महंगा डॉक्टर है ये बेहतर डॉक्टर होगा या फिर जिस डॉक्टर की क्लिनिक बहुत अच्छी खासी हो बहुत चमकती हो सो हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या है बेहतर डॉक्टर है करेक्ट चलिए इन अदर वर्ड एन एजम्पन इज एक्ट ऑफ फेथ एक्ट ऑफ फेथ जिसको विश्वास के तौर पे माना जाता है विच डज नॉट हैव इम्पेरियल एविडेंस टू सपोर्ट जिसके पास बहुत सारे एविडेंस नहीं होते जिसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं नेवी एग्जैशन दैट बिकॉज इट्स पॉपुलर इट्स मस्ट बी गुड कोई चीज़ बहुत फेमस है तो वो बहुत बेहतर होगा इसके अलावा भी हमने एग्जाम्पल देखा कि कोई हॉस्पिटल बहुत गुड uh, लुकिंग है देखने में अच्छा है तो डेफिनेटली वो हो क्या होगा वो बहुत अच्छा होगा या फिर एक और एग्जेप्शन से मान लेते हैं कोई डॉक्टर आपसे ज़्यादा बात करता है तो आपको लगता है कि यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि हमसे ये ज्यादा बात कर करें हमारी बीमारियों को और बेहतर समझेगा हो सकता है आपको छोटी सी बीमारी को डॉक्टर को पहली बार में ही समझ में आ गया तो वो टेस्ट देकर तो इसीलिए वो ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करता लेकिन हमारी एजम्पन्स है कि जो ज़्यादा बात करता है वो डॉक्टर बेहतर होगा ठीक है तो ये सारे क्या हो गए एग्जाम्पल्स होंगे अगर इसको एक लाइन में कहा जाए तो समथिंग विच इज कॉल्ड आर विच इज सपोज टू बी ट्रू विदाउट एनी हैविंग प्रूफ और विदाउट हैविंग एनी एविडेंस समझ में आ गई सो दिस इज ऑल अबाउट अजम्पन दिस इज ऑल अबाउट अवधारणा है ओके okay. अब थोड़ा सा इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जैसे कि वेब स्टार और डिक्शनरी है अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले यही आता है तो डिक्शनरी ने इसे कैसे डिफाइन किया अजम्पन इज दैट टेकिंग फॉर ग्रांटेड और सपोजिंग विदाउट एनी प्रूफ ठीक है ठीक वैसे ही बेस्ट एंड खान का एक ये रिसर्चर है इन्होंने इसे कैसे डिफाइन किया अजम्सन आर स्टेटमेंट ऑफ वॉट द रिसर्चर बिलीव टू बी फैक्ट बट कैनॉट बी वेरीफाइड अब रिसर्च के फॉर्म uh, में अगर हम बात करें तो एजम्स क्या होता है हमें किसी प्रॉब्लम पे क्या करना है रिसर्च करना है उस प्रॉब्लम के लिए जो भी एजम्पन हो हम उसे सच मान लेंगे उसे मानकर ठीक है ऐसी अगर आपकी मान्यता है तो हम इस पर यकीन करते हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे वर्क करेंगे रिसर्च करेंगे ठीक है उस पर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे फिर उसको टेस्ट करेंगे और लास्ट में सोल्यूशन प्रूफ करेंगे तो हम एजम्पन को बेस्ट इन खान ने कैसे डिफाइन किया कि एजमसन आर स्टेटमेंट ऑफ वाट रिसर्चर्स बिलीव टू फैक्ट बट कैन नॉट वेरीफाई उसको वहाँ पर तुरंत साबित नहीं कर सकते उस पर हम हाइपोथेसिस बना के उस पर रिसर्च करेंगे राइट तो यहाँ तक बात होगी दोस्तों अजम्संस की आई होप कि समझ में आ गया होगा आपका कि हमारे समाज में हमारे इन्वायरमेंट में या लोगों के द्वारा हमारे द्वारा जो भी चीजों को लेकर अज्यूम किया जाता है एक अजम्स बनाया जाता है अपने दिमाग में वास्तव में उसी की बात की जा रही है अजमसन्स की इसका बेस्ट यूज कब होगा जब आप रिसर्च पेपर बनाएंगे जब आप रिसर्च थे लिखेंगे उस पर आपको इसको यूज करना पड़ेगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं करेक्ट्रिस्टिक्स आर क्वाइट सिमिलर जो चीज़ें आपने डिस्कस करी उसी को करेक्ट्रिस्टिक में आपको लिखना है एजम्स आर नॉट क लॉजिकल एक्टिविटीज अब यहाँ पे इस एजम्स में हो सकता है कि आपको कभी लॉजिक देखने को ना मिले मतलब ये कौन सा लॉजिक है कि जिस फल की दुकान पर ज्यादा भीड़ है वो फल बेहतर है तो यहाँ पे बहुत लॉजिक नहीं बट एजुम्पन्स है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि नॉट ग्राउंडेड इन लॉजिकल एक्टिविटीज एज द पॉस्टलर्ट्स आर पॉस्टुलर्ट्स में लॉजिक होता है इसके बाद के टॉपिक का पॉस्टुलट तो उसको समझेंगे तो पॉस्टुलर्ट्स में लॉजिक होता है मगर एजेंशन में लॉजिक नहीं होता ये बस मान लिया जाता है दे मेरली फेसिलेट द प्रोग्रेस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन बाई इंट्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस याद रख लीजिए कि इसके इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स इसकी है कि इसे हम रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस कहते हैं इसका क्या मतलब होता है यह केवल प्रति, प्रतिबंधितात्मक शर्तों को लागू करके आंशिक सरलीकरण के लिए समझौते की प्रगति को सुविधाजनक बनाता है ये क्या है भाई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन्स होता है कुछ चीज़ों के लिए ही वैध होता है ठीक है कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे वैध होता है कुछ लोगों के द्वारा ही इसको वैलिड माना जाता है तो इसके अंदर ये क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड होते हैं उसी कंडीशन उसी रेस्ट्रिक्शन कंडीशन पर ही क्या करते हैं लागू करते हैं चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को लेके आपके अंदर एज्यूम्स है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन वो उस उस एरिया के लिए पॉपुलर है दूसरी जगह पे वो पॉपुलर नहीं है तो वहाँ के लोग उसे बेस्ट नहीं मानेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट रेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मीन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन बिफोर द आर्ग्यूमेंट कैन बिकम वैलिड ठीक है जब तक कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये क्या होता है भाई तब तक ये रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में होता है इसके अंदर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन होता है ठीक है इसको हम यूज़ करते हैं बिहेवियरल साइंस में यानी कि किसी की व्यवहारवाद विज्ञान पढ़ने में व्यवहार विज्ञान पढ़ने में बिहेवियरल साइंस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है किसका अजमसंस का ओके अब बिल्कुल इसी के सिमिलर है पॉस्टुलेट बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर आपको लॉजिक होगा उसके अंदर आपका डिस्कशन होगा उसके अंदर आपका रीजनिंग होगा अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल ये था कि सरकारी स्कूलों में दोस्तों सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जाते वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती ये हमारा क्या हो गया एजें्पन्स हो गया अब इस एजेम्सको को हम पॉस्टुलेट कैसे बना सकते हैं जब हम इस पर लॉजिक देंगे लॉजिक पार्सली करेक्ट भी हो सकता है इनकरेक्ट भी हो सकता है ठीक है हमें प्रूफ नहीं करना बट हम इस अजमसुम्स पे हमने लॉजिक दे दिया लॉजिक क्या दे दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती लॉजिक अगर पढ़ाई अच्छी होती तो अमीर घर के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं जाते या फिर जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो प्राइवेट के जितने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिखते कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते हैं बोलने में या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका गेटअप उनका आउटफिट उनसे अलग क्यों होता है जहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चे बेंच पे पढ़ते हैं एसी रूम पे पढ़ते हैं डिजिटल क्लासरूम में पढ़ते हैं वहीं सरकारी स्कूल के बच्चे नीचे चटाई पे मैट पे क्यों पढ़ते हैं तो ये सारा जब हम लॉजिक देके फिर हम कहते हैं कि नहीं सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो हम इसको पॉज कंडीशन में क्या करेंगे रखेंगे क्योंकि इसकी फैक्ट ये है कि रिसोर्सेज कमी है अगर रिसोर्सेज कमी है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती लेकिन एजम्पन्स में हमने ये लॉजिक दिया डिस्कशन दिया तो हम इसको पॉस्टल कंडीशन में ठीक है भाई मान लेते हैं चलो आपने जो कहा हम मान लेंगे अब इसी मानक पे इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाएंगे ठीक है तो आपने पॉस्टूल समझा एज्यम्पन्स में हमने बस एज्यूम कर लिया था ऐसा नहीं होता लेकिन जब हम लॉजिक और डिस्कशन इसके अंदर रखते हैं रीजनिंग रखते हैं और फिर उस बातों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉस्टूल्स के कंडीशंस में आ जाता है अब यहाँ पे थियोरी uh, समझने में ज़्यादा सहायता मिलेगी आपको ठीक है अब पॉस्टुरस इज सम एजम्पन विच यू कंसिडर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड डिस्कशन सिंपली फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इट मे नॉट बी ट्रू ये हो सकता है सही लेकिन नहीं भी हो सकता है हम इसको क्या करते हैं ये कुछ ऐसे एज्शन होते हैं जिसको हम सच मानते हैं किस आधार पर लॉजिक और डिस्कशन के आधार पर ठीक है क्यों भाई आर्ग्यूमेंट के लिए या हाइपोथेसिस के लिए या फिर हम अपने रिसर्च के लिए तो समझ में आ गई बात पॉस्टर आर द वर्किंग बिलीफ ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एक्टिविटीज बहुत सारे साइंटिफिक एक्टिविटीज में पॉस्टर को हम क्या करते हैं मान लेते हैं हल्स थे जो इंग्लैंड के इंग्लैंड के एक ये साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने एक थियोरी दी थी लर्निंग की थियोरी दी थी हल्स को उसको रेनफोर्समेंट थियरी कहते हैं इन इन्होंने बताया था कि बच्चे को कैसे और बेहतर पढ़ाया जा सकता है ठीक है तो ये एक साइकोलॉजी की थीरी ये भी दोस्तों पॉस्टुलर्ट्स पे ही डिपेंड करता है ये भी कुछ लॉजिकल uh, जम्शन पे डिपेंड करता है उसी पे इन्होंने थियोरी दी थी तो हल्स थियरी ऑफ द रेनफोर्स इज द बेस्ड ऑन द एट पॉस्टूलेट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी मनुष्य के एक्चुअली इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था थॉन्डाई की तरह तो उन्होंने एक थीरी दी थी तो वो थी भी इसी पॉस्टुलर्स पे आधारित है अब यहाँ पे समझ में आएगा कि विथ मेनी पीपल गॉड एंड स्पिरिट इज द पॉस्टुलर्स ऑफ अ गुड लाइफ और गोल्डी लाइफ ठीक है बहुत लोगों को मानना है कि भाई भगवान या फिर आत्मा है क्या है भाई अच्छे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो है मतलब हमारी जो अगर गुड लाइफ है अच्छी लाइफ है तो इन्हीं की वजह से है ठीक है तो ये भी पॉस्टुलर्स के अंतर्गत आती है इनके पास लॉजिक होगा कि ठीक है हम आज जो कुछ भी हैं भगवान की वजह से ईश्वर की वजह से अब इसके बाद इनके पास लॉजिक है उस लॉजिक पर आप बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है पॉस्टुलर्स के अंदर ठीक है पॉस्टुलर्स आर नॉट प्रूवन दे आर सिंपली एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू सो दैट देयर बेसिक वर्क फॉर डिस्कवरी ऑफ द अदर फैक्ट ऑफ नेचर कैन बिग अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पॉस्टल को आप साबित कर दें मतलब सही भी प्रूफ कर दें इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि इट मे नॉट बी ट्रू और मे बी ट्रू इट्स पार्शली ट्रू आप इसको मान सकते हैं आप इसको सच भी मान सकते हैं और अगर आप इसको नहीं मानते तो आप झूठ भी मान सकते हैं जो मानते हैं इसके लिए सच है जो नहीं मानते उसके लिए वो झूठ है तो पॉस्टलेस का कहने का मतलब बस यहाँ समझिए पॉस्टलेस का मतलब ये होता है कि वो एक्जिम्पन्स जिसे आप डिस्कशन या लॉजिक या फिर आप साइंस या फिर आर्ग्यूमेंट के आधार पर मान लेते हैं वो होता है पॉस्टुलेट, एजशन ही है लेकिन जिसके अंदर लॉजिक होगा जिसके अंदर डिस्कशन होगा ओके सम टाइम पॉस्टुलस आर नॉट ऑब्वियसली करेक्ट सम मतलब कभी कभी सही नहीं भी होता बट आर रिक्वायर्ड फॉर देयर कंसिक्वेंस बट लेकिन वो क्या होता है आगे की चीज़ के लिए वो ज़रूरी होता है सो दिस इज ऑल अबाउट पॉस्टुलर्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि इसी चीज़ को पॉस्टुलिस वर्ड को मैं आपको रिवाइज कर दूँ ताकि उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ पॉस्टलर्स बट इतना समझिए कि पॉस्टुलस भी एक प्रकार का एजें्शन है लेकिन एजेंशन में जब आप लॉजिक डिस्कशन रीजनिंग रखते हैं तो वो पॉस्टलेस कहलाता है ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो भी स्वास्थ्य का राज है जो भी हम चीज़ें हैं वो वो ईश्वर की वजह से है इसके लिए हमारे पास लॉजिक है इसके पास हमारे पास आर्ग्यूमेंट है हम इसको मान लेते हैं सम टाइम इट कैन भी ट्रू एंड सम टाइम इट कांट भी ट्रू ठीक है लेकिन आगे के आपके डिस्कवरी के लिए रिसर्च के लिए ये पॉस्टुलर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चलिए अब आइए बात करते हैं कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ पॉस्टुलर्स अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पहला द पॉस्टुलर्स आर द बेसिस एंड फॉर्म द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो भी आर्ग्यूमेंट का आधार है जो भी प्रॉब्लम का आधार है ना उस वो पॉस्टुलेट से होता है क्योंकि इसके अंदर लॉजिक होता है ठीक है और ये क्या होता है भाई ये ओरिजिनल uh, पॉइंट होता है किसी भी ऑर्ग्यूमेंट का किसी भी ऑर्ग्यूमेंट का अब हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती इसलिए बच्चे नहीं जाते अब उसके पीछे के जो भी लॉजिकल डिस्क डिस्कसन होगा वही तो उसका बेस पॉइंट होगा ठीक है वही पॉस्टुलेट्स है जिसके ऊपर पूरा ऑर्ग्यूमेंट स्टैंड करता है टिका हुआ होता है दूसरा दोस्तों पॉसलेस आर नॉट प्रूवन मतलब यहां पे जो रिसर्चर्स है उसको यह बताया जाए कि आपको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि अमीर के बच्चे क्यों आ, क्यों नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल में वो प्राइवेट इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत आप इसको टेक इट एज ग्रांटेड लीजिए आप इसको समझिए फिर आप इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए रिसर्च करिए ठीक है याद रखिए कि ये पार्सली ट्रू होता है कभी कभी सच भी हो सकता है कभी कभी गलत भी हो सकता है ठीक है दे आर सिंपली एक्सेप्टेड देयर फेस वैल्यू सो देयर बेसिक वर्क फॉर द डिस्कवरी ऑफ द अदर फैक्ट ऑफ नेचर कैन बिगन इसकी डिस्कवरी क्या हो सके शुरू हो सके देश शुड बी ऑब्वियस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो और ऑब्वियस हो जो समझ में आए एंड शुड नॉट हैव टू मनी वर्ड दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अब आपका अगर आप जैसे जब रिसर्च बनाएंगे तो जब उसमें पॉस्टलर्स बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपने पूरा पैराग्राफ भी भर दिया जो कि पढ़ने में मुश्किल हो दे शूड नॉट बी वेरी मैनी ऑफ द मतलब हमेशा अलग अलग नहीं होनी चाहिए एक आप कंसनट्रेट होकर आप इसको पॉस्टलर्स बनाएंगे all uh, all okay that they should all work together without making any strange result they should be consistent मैंने जो कहा कि वो वो क्या होना चाहिए किसी आपके problem के related होना चाहिए वो consistent होना चाहिए they should also also be partially true when they are alone सो दे कैन भी यूज इट डिपेंडली वो पार्सली कुछ ना कुछ तो उससे संबंधित सच्चाई उसके अंतर्गत होनी चाहिए जैसे मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो इसके पीछे का जो भी आपका पॉस्टिलेट था जो भी डिस्कसन और आर्ग्यूमेंट था कि आ, अगर ऐसा है तो फिर वो लोग ऐसे दिखाई क्यों नहीं देते उनके बॉडी लैंग्वेज तो में चेंजेस क्यों नहीं आती या फिर वहाँ पर एजुकेशन का इन्वॉयमेंट क्यों नहीं होता तो भाई कुछ ना कुछ तो उससे जुड़ा हुआ है सो दिस वुड बी पार्सली ट्रू वेन दे आर अलोन सो दे कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली आई होप कि इसके पॉइंट जो अगर आप आएंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं आई होप सो सो ओके दिस इज द लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो दैट इज वॉट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बिल्कुल वही है जो आप समझते हैं आपकी परिकल्पना आपने एक प्रॉब्लम लिया कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती उस पर आपने पॉस्टिस्ट में जो आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन डालने थे वो डाल दिया अब आप इस पर हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बनाएंगे मतलब आप इस पे परिकल्पना करेंगे परिकल्पना आप ये कर सकते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करूंगा की वहाँ पे बढ़ाइए तो जो भी इनकी पॉस्टुलट्स है उस, उसके ऑपोजिट आप काम करते जाइए जैसे कि आप ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि सारे बच्चे वहां पे हैं डेफिनेटली बात है ये प्रॉब्लम है कि अगर रिच uh, पीपल नहीं अपने बच्चों का एडमिशन करा दें तो आप एक ऐसा इन्वामेंट बनाइए तो हमने क्या किया कि अगर हम अपने गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के लेवल बना देंगे फर्नीचर्स uh, अच्छे कर देंगे बिल्डिंग uh, अच्छा कर देंगे पार्क अच्छा कर देंगे बिल्डिंग और एटमोसफेयर अच्छा कर देंगे तो सारे इक्वली उसमें पढ़ेंगे तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि अगर हम सारी चीजें सही कर दें तो वहाँ पर सारे लोग इक्वली पढ़ेंगे तो ये आपका पहले हाइपोथेसिस हो गया दूसरा हाइपोथेसिस आपका ये हो गया कि अगर हम बच्चों को कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करके हम रिजल्ट बेहतर देंगे तो लोग रिजल्ट को देख के भी आएंगे तो आप इस तरीके से जितने भी हाइपोथेसिस बनाना चाहते हैं परिकल्पना करना चाहते हैं आप करते जाइए ठीक है आप करते जाइए क्यों क्योंकि आपको लास्ट में किसी एक, एक पे प्रूफ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो परिकल्पना क्या है भाई पहले इसकी लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ की बात करें सो द वर्ड हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स दो वर्ड्स से बिना है पहला क्या हाइपो दूसरा थैथिस हाइपो का मतलब होता है टेंटेंटिव और सब्जेक्ट टू द वेरीफिकेशन टेंटेंटिव मतलब आने वाला ठीक है सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन जो कि वेरीफाई होने वाला है मतलब प्रूफ होने वाला है एंथेसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्द सो so, हाइपोथेसिस का मतलब किसी भी समस्या का वो स्टेटमेंट जो कि एक टेंटेटिव रिजल्ट देता हो टेंटेटिव सॉल्यूशन देता हो जो प्रूफ करने योग्य हो या फिर जो प्रूफ होने वाला हो ठीक है जिसको टेस्ट किया जाए जिसको प्रूफ किया जाए वही परिकल्पना होता है जिसको हम आगे क्या करेंगे रिसर्च में शोध करेंगे प्रूफ करेंगे ट्राई टू प्रूफ करेंगे अब देखिए जेम्स ई ग्रेकटर्न क्या कहते हैं अटेंटेन्टिव सुपोजिशंस और प्रोविजनल गेस है इसको हम अनुमान मान लेते हैं इसको गेस मान लेते हैं इट इज सुपर प्रोविजनल अंडर द ऑब्जर्वेशन जो कि क्या कहते हैं सीम्स टू एक्सप्लेन द सिचुएशन अंडर ऑब्जर्वेशन अपनेवेशन के अधीन ऐसा लगता है कि हम इसको क्या करेंगे दोस्तों एक्सप्लेन करेंगे मतलब उस पर चीजों पर काम करेंगे कुछ और डेफिनेशन है वहां से और समझ में आएगा हाइपोथेसिस yeah. को प्रीपोजिशन इज टू बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इस वैलिडिटी एक ऐसा प्रोपोजिशन है जिसको हमें कहाँ टेस्ट करना है जिसको टेस्ट पर रखना है उसकी उसे, उसकी वैलिडिटी डिटरमाइन करने के लिए और यह बात किसने कही थी गुड एंड हान ने कहा था अ हाइपोथेसिस स्टेट दैट वी आर वाट वी आर लुकिंग फॉर परिकल्पना क्या कहता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं क्यों काम कर लिए हम इसलिए काम कर रहे हैं कि एक अजम्पन एक है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती इस पर हम एक परिकल्पना बना रहे हैं कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें तो ये धारणा खत्म हो जाएगी कि अब प्राइवेट इस्कूल सरकारी से बेहतर है तो लोग इसमें एडमिशन कराएंगे तो हमने एक अवधारणा बना दी तो अ हाइपोथेसिस स्टेट दैट वाट वी आर लुकिंग फॉर हम किसके लिए काम कर रहे हैं हम काम कर लिए कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए उनके यह ऑब्जेप्शन खत्म हो हाइपोथेथिस लुक फॉरवर्ड हमेशा आगे की तरफ करता है उन्नत की ओर देखता है प्रोग्रेस की तरफ देखता है इट इज़ अ प्रीपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी सेम बात कहा इट मे प्रूव टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक परिकल्पना को सही किया जाए आपको अगर लगता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया तो बच्चे आएंगे ये गलत भी हो सकता है तो परिकल्पनाओं के गलत होने से कभी नहीं घबराते एज ए रिसर्चर इसके लिए कई दो तीन पर कर, परिकल्पनाएं करिए अच्छा ठीक है हमने ये मान लिया कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें उसके साथ साथ आपको टीचिंग या फिर उसको इन्वायरमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको परिकल्पनाएँ करनी जाती है उसको टेस्ट करता जाए जो वेरीफाई होगा आप उसको लागू कर देंगे ठीक है चलिए एक लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं एम वर्मा जो कि इंडियन आ, जो कि इंडियन है और इनका इनका कह रहा है अथीरी वेन स्टेटेड एज अ टेस्टेबल कोई भी सिद्धांत जो कि जिसको टेस्टेबल कहा जाए मतलब यूँ समझ लीजिए प्रूफ होने योग्य कहा जाए उसको हम हाइपोथेसिस करते हैं उसको परिकल्पना कहते हैं प्रीपोजिशन फॉर्मली एंड क्लियरली एंड सब्जेक्टेड टू द इम्फेरियर और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस मिस्टर वर्मा ने कहा है तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी एजेंसन्स क्या है भाई एजेंस जो कि एक सामान्य हम जिसे मानते हैं पॉस्चुरीज जब उसमें लॉजिक और उसमें डिस्कशन ऐड करते हैं हाइपोथेसिस मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए कि हम आपको सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए एक टेंटेटिव सॉल्यूशन आप देते हैं जिसको वेरीफाई करने के बाद हम अब वेरीफाई करेंगे तो वो हाइपोथेसिस सही या गलत हो सकता है तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं कि एक टेंटेटिव सोल्यूशन एक एक यूँ समझ लीजिए कि एक संभावित हल संभावित हल जिसे हम मान सकते हैं आइए जरा कुछ कररेक्ट्रिस्टिक्स देख लेते हैं ठीक है हाइपोथेथिस इन एन आर्ग्यूमेंट कुड फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन फिनामिना आर सेट्स ऑफ फिनामिना हाइपोथेथिस इज नॉट अ थीरी अंटिल इट हैज़ बीन प्रूफ्ड एंड वेरीफाइड अंडर द डिफरेंस हाइपोथेसिस कब तक सिद्धांत नहीं बन सकता है? जब तक इसको प्रूफ ना कर दिया जाए अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ठीक है तब ये सिद्धांत बन जाता है तब ये थ्योरी बन जाती है प्रिंसिपल बन जाता है और जब तक इसको प्रूफ नहीं किया जाएगा हाइपोथेसिस रहेगा एनी थिंग टेकन फॉर ग्रांटेड इज एन एजम्पन्स बात समझ में आ गई एनी थिंग विच कैन बी टेकन एज ए ग्रांटेड जिसको मान लिया जाता है उसको हम एजम्पन्स कहते हैं एंड हाइपोथेसिस इज द बेस्ट ऑफ वर्किंग एजम्पन्स हाइपोथेसिस इज इज एट बेस्ट ऑफ वर्किंग अब उसी एजम्पन्स पर आपको क्या करना है हाइपोथेसिस बनाना है काम करना है रिसर्च करना है ठीक है uh, कुछ, और, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और हाँ चलिए कुछ फंक्शंस देख लेते हैं और दिस इज गोन विद लास्ट स्लाइड ऑफ फॉर दिस वीडियो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी सो फॉलोइंग आर द फंक्शन परफॉर्म बाई द हाइपोथेसिस अगर आपने हाइपोथेसिस बनाई तो उस पर कौन कौन सा कार्य कौन कौन सा फंक्शन होगा हाइपोथेसिस हेल्प मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल हाइपोथेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट होता है एक ऑब्जर्वेशन होता है इट बिकम द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या करना है स्टार्ट पॉइंट बन जाता है ये इसका कार्य होता है हाइपोथेसिस हेल्प इन वेरीफाइंग ऑब्जर्वेशन इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द इंक्वायरीज इन द राइट डायरेक्शन ये हेल्प करता है किसी भी इंक्वायरी को राइट right डायरेक्शन देने में चलिए हाइपोथेसिस को समझते हुए इस बात वैसे ये वीडियो समाप्त होने वाली है एक लास्ट कमेंट कर दूँ ताकि हाइपोथेसिस और समझ में आ जाए आपने कितनी बार ना डॉक्टर्स को एनिमल्स डॉक्टर को देखा होगा जिसे हम मवेशी डॉक्टर कहते हैं लाइक अगर सपोज डॉग हो गया या फिर गाय हो गई या बकरी हो गई इनको इनका इलाज करते हुए आपने कितने डॉक्टरों को देखा है आपने ऐसे कितने डॉक्टरों को देखा है कि अगर ये गाय का इलाज कर रहे हैं तो उनके पास एक्सरे रिपोर्ट है गाय का उसके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है इन रिपोर्ट के साथ उनको इलाज करते हुए आपने कितनी बार देखा होगा मैंने तो कभी नहीं देखा और शायद आपने कभी देखा होगा तो वो कैसे इलाज करते हैं वो इसी हाइपोथेसिस पे इलाज करते हैं उन्हें जो थीरी पढ़ाई जाती थी, है उस आधार पे उनका जो रिएक्शन होता है एनिमल्स का उसी आधार पे वो हाइपोथेसिस करते हैं कि अच्छा इतने दिनों से खाना नहीं खा रही है इसका पेट भी फूला हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है वो डॉक्टर अपने टर्म में समझते हैं ऐसी परिकल्पना करते हैं फिर उस आधार पर वो इलाज करते हैं ठीक है तो ये हाइपोथेसिस भी होता है डेफ़िनेटली वो इसी आधार पर करते हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट हो वो उस आधार पे आ, वो मैंने तो बहुत मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई डॉक्टर ऐसे एनिमल्स के लिए वो रिपोर्ट मांग रहा हो ठीक है जैसे अल्ट्रासाउंड या एक्सरे इस तरीके से रिपोर्ट करके तब वो डॉक्टर वो पशु का इलाज कर रहा हो मैंने तो नहीं देखा तो वो हाइपोथेसिस के आधार पे ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है वो ऐसे मुंह नहीं चला रही तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो या फिर इस तरीके से वो इलाज करते हैं ठीक है तो हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है भाई हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है जो एक टेंटेंटिव सोल्यूशन माना जाता है जब ये वेरीफाई हो जाता है अंडर डिफरेंट सो इट बिकम्स अ प्रिंसिपल्स या थियरी या सिद्धांत बन जाता है और इसीलिए जो इस ये डॉक्टर्स हैं ना उनके साथ जूनियर होते हैं और ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उस चीज़ों को सिद्धांत मान लेते हैं कि वो हर बार जब प्रूफ होगा तो वो मान लेंगे चलो ऐसी है ये दवा दो काम हो जाएगा तो इस तरीके से वो कार्य करते हैं बहरहाल मैं आशा करता हूँ कि ये तीन पॉइंट आपको समझ में आया होगा अजम्पन्स जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको मान लिया जाता है पॉस्टूल्स मतलब जिसके अंदर कुछ लॉजिक डिस्कसन रीजनिंग होगा और हाइपोथेसिस जो सोल्यूशन टेंटेटिव सोल्यूशनस आप इसको एक एक वर्ड में इस तरीके से आप लिख सकते हैं वेल आई होप आई एम एबल टूट मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक एंड इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड एंड इफ यू रियली लाइक माई लेक्चर्स और डिस्कसन सो यू कैन डू लाइक द वीडियो अगर सच में आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो के बाद से मुझे फीडबैक देंगे कि ये कैसा रहा मुझे कितना खुद में इम्प्रूव करना है या आपको लेक्चर कैसा लगा कुछ पॉइंट छूट गया हो आप मुझे वो भी बता सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी जानने में और इस्पेशली आपका कमेंट मुझे जानने में बहुत खुशी होगा कि आपके फीडबैक क्या हैं इस वीडियो के बाद से सीरियसली एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यूड विथ माई चैनल्स इफ यू हैवन सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो थैंक यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक अपना खूब ख्याल रखिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत